हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गीतम गाइड 2020 के बारे में। आज हम इस वीडियो में गीतम गाइड 2020 के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ गीतम गाइड 2020 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, हर एक चीज़ जानेंगे आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि अगर गीतम गाइड 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है, कोई भी न्यूज़ आता है उसके रिलेटेड, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो नोटिफाई कर पाऊंगा। सो फ्रेंड, चलिए अब हम शुरू करते हैं गीतम गाइड 2020 के बारे में और डिटेल में जानना। दोस्त के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे सर्च करना है cet.co.in। और जैसे आप वहाँ पे cet.co.in सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद जो सबसे पहला रिजल्ट आपको जो गूगल में दिखा देगा, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। उसे ओपन करते ही आपके सामने एक जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, उस वजह से जो है वेबसाइट ओपन होने में टाइम ले रहा है, लोड लेने में टाइम ले रही है वेबसाइट। लेकिन अगर आपका वेबसाइट का अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट रहेगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो तुरंत ही जो है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है। तो ये जो cet.co.in है, ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको गीतम गाइड के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो गीतम गाइड की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे आपको फुल अपडेटेड और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह से जो है गीतम गाइड के रिलेटेड सर्च कर सकते हो। तो जो आपको यहाँ पर साइट में जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पर आकर लिखना है गीतम गाइड। और गीतम गाइड के अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना चाहते हो तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हो। अगर आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जगह एडमिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हो तो आप वहाँ पे एडमिट कार्ड लिख सकते हो। मीन्स आप जिस भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो आप उस वो चीज़ लिख के आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ गीतम गाइड के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप खाली सर्च का गीतम गाइड लिख के सर्च का बटन दबा दीजिए, तो आपके सामने जो है गीतम गाइड की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं गीतम गाइड के बारे में और डिटेल में जानना। तो सबसे पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू बता दूँ कि जो गीतम गाइड है तो गीतम यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो उस यूनिवर्सिटी में जो है वो यूजी के प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में और फार्मेसी कोर्सेज में। तो अगर आपको गीतम यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्सेज, इंजीनियरिंग, फार्मेसी या आर्किटेक्चर, इन तीनों में से कोई भी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको जो है गीतम गेट का एग्जाम देना रहता है, यानी कि गेट यानी कि गीतम एडमिशन टेस्ट। अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे तो ही आप जो है इसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे और इसके कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको गीतम गेट का थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ। लाइक इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये गीतम का फुल फॉर्म था। और गेट का हमने ऊपर ऑलरेडी देख चुका है गीतम एडमिशन टेस्ट। टाइप ऑफ एग्जाम जो है यूजी एंड पीजी लेवल है। लेवल ऑफ एग्जाम जो है नेशनल लेवल का एग्जाम है। जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे वो है टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और दूसरे और बहुत सारे कोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इसकी वो है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका रहता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रिलीज होता है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकली बाय करके इनके दिए हुए एड्रेस पे जाके सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम मोड की। तो ये एग्जाम मोड होने वाला है वो ऑनलाइन मोड होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जो एग्जाम ड्यूरेशन आपको टोटल 2 घंटे जाएंगे, 2 घंटे में आपको एग्जाम जो है कम्प्लीट करना होगा। नेक्स्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है यहाँ पे गीतम की, और नेक्स्ट आपको जो है हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस दे दिया गया है। सो गाइस, अगर आपको गीतम गाइड के पूरे एडमिशन प्रोसेस में कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, लाइक अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन फीस में, एडमिट कार्ड में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप ये हेल्पलाइन नंबर या रजिस्ट्रेशन या ये जो ईमेल आईडी दी हुई है registrar@gitam.edu, इस दोनों में से किसी से भी डायरेक्टली अथॉरिटी, गीतम गाइड की जो अथॉरिटी है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे गीतम गाइड की क्विक लिंक्स की ओर। सो गाइज, ये जो क्विक लिंक्स का सेक्शन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ एग्जाम सिलेबस के बारे में जानना है या गीतम गाइड के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली उसके सामने जो क्लिक है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आप जो एक न्यू पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको गीतम गाइड के एग्जाम पैटर्न के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी गई होगी। तो इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से भी लिंक जो डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हैं, और ना आप डायरेक्ट जो cet.co.in सर्च करके गीतम गाइड लिख के भी यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम डेट की बात करें तो जिसका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, और जो एग्जाम है वो अप्रैल में ही कंडक्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली। और जो हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका रिलीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो
तो गाइस जो गीतम बेटी का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाएँ कोई भी गलती करते हो, कोई भी मिस्टेक करते हो, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरते जाएँ आपको कहा जाएगा कि आपका जो सिग्नेचर है फोटोग्राफ है उसे स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कौन सी साइज़ में स्कैन करना है, कितनी साइज़ में कितने KB में जो है वो फोटोज डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन से फॉर्मेट में उसे सेव करना है, किस तरह अपलोड करना है, और सब गलत वो अपलोड करते हैं, गलत साइज़ में अपलोड करते हैं, उस वजह से क्या होता है उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है और वो बहुत ही परेशान होते हैं। तो आपके साथ भी इस तरह ना हो, आप भी परेशान हो, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा कर रखना है, क्योंकि हम गीतम गेट के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर किस तरह से स्कैन करना है, कितने KB में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में वो फाइल रहेगी और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, हर एक चीज़ आपको फुल डिटेल में स्टूडियो में बता दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है दो मोड में आप भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड भी और ऑफलाइन मोड भी। आप ऑनलाइन मोड डायरेक्टली जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू है भर सकते हैं, और जो ऑनलाइन पेमेंट से आप भर सकते हैं, और जो ऑफलाइन रहेगा वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप डायरेक्टली ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो, क्योंकि अगर आप गीतम गेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप जो है गीतम गेट के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। तो मेक श्योर कीजिएगा आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसकी वो चेक कर ली, जिसके इसमें बताया गया है कि आपको जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में आपके सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके टोटल 60% रहनी चाहिए 12th में। और उसके साथ साथ आगे और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, फार्मेसी के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, आर्किटेक्चर के लिए अलग दे दिया गया है। तो आप मैं स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपके कोर्स की किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स के हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अभी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे। सो गाइस अगर आप इस गीतम गेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मालूम रहेगा तभी आप जो है अच्छे प्रिपरेशन अच्छी तरह से स्टार्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हो जो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे दे दिया गया है, कि जो सबसे पहले बताया कि MCQ टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे आपको जो क्वेश्चन पूछाएंगे उसके एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से जो भी आपको आंसर सही लगता है आपको उस पर सिंपली टिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको जो राइट आंसर रहेगा तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते तो आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और वही एक आंसर का अगर आप एक क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते तो आपके जो है 1 मार्क्स माइनस किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 मार्क्स का जो है नेगेटिव मार्किंग है। फिर सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया, टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री अरिथमेटिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स होता है, और अगर आपको फुल डिटेल सिलेबस चाहिए पर्टिकुलर एक टॉपिक के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दूंगा सिलेबस का वहाँ पे जाके जो है डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड की। और सो गाइस ये जो गीतम गेट का एडमिट कार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको एग्जाम सेंटर से ही वापस भेज दिया जाएगा। इससे आपको जो एडमिट कार्ड बहुत ही अच्छी तरह से डाउनलोड करना और डाउनलोड करके 3 से 4 प्रिंटर उसके अपने पास संभाल के रखना है। साथ ही साथ एक और जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड के रिलेटेड वो ये है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कब इसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, कब इसका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोडिंग डेट जो इसकी एंड हो जाती है, इस वजह से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते और एग्जाम नहीं दे पाते। सो गाइस आपके साथ ऐसा ना, इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन को भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही गीतम गेट का एडमिट कार्ड रिलीज हो वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत जो है अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि गीतम गेट का जो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और वीडियो के माध्यम से आपको ये भी मदद हो जाएगी कि आपको पता हो जाएगा किस तरह से आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, किस तरह से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे रिजल्ट की ओर। तो रिजल्ट का भी सेम सीन है, मीन्स अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो रिजल्ट डिक्लेयर होते ही हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है रिजल्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, और रिजल्ट को वीडियो में बता देंगे किस तरह आप जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कि आपको अपना रजिस्टर ID डालना रहता है, उसी के साथ साथ आपको लास्ट में जो है नेक्स्ट आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है, और उसके बाद जो आप डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हो। और जो मेन चीज़ होती है वो होती है लिंक, आप किस लिंक से रिजल्ट चेक करो, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं फेक लिंक्स फैलाते हैं, ताकि आप उससे क्या होता है आप अपना रिजल्ट बरोबर चेक नहीं कर पाते टाइम पर, और आप और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। तो आपके साथ ऐसा में इसलिए आप मेक श्योर कीजिएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपको गीतम गेट के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।